यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ हरियाणा की ओर से खेले खिलाड़ियों को ही राज्य सरकार सम्मानित करेगी, ये घोषणा खेल मंत्री अनिल विज ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से खेलने वाले 11 खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा, यानी कि अब केवल हरियाणा की ओर से खेलकर पदक जीतने वाले 11 खिलाड़ियों, 16 प्रतिभागियों समेत 87 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले सीएम भी कह चुके हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरानी नीति के तहत ही सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हरियाणा के कुल 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 22 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। इनमें 11 खिलाड़ी रेलवे या अन्य मंत्रालयों की ओर से खेले हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पहले सभी विजेताओं के साथ प्रतिभागियों को सम्मानित करने का फैसला किया था। इसमें शर्त थी कि सरकार खिलाड़ियों को मंत्रालयों से मिली राशि काटकर पुरस्कार देगी, जिसके बाद इस शर्त का कई खिलाड़ियों ने विरोध किया था, जिसके चलते सम्मान समारोह रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि अब प्रदेश के 60 अन्य खिलाड़ी भी सम्मानित किए जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं, यानी 98 के बजाय अब 87 खिलाड़ी पुरस्कृत किए जाएंगे। खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि कार्यक्रम जल्द ही होगा, जिसकी तारीख सीएम से बातचीत कर तय की जाएगी।